गाइज वेलकम बैक, दिस इज प्रीति फ्रॉम माय हॉट चॉकलेट। होप यू गाइज आर डूइंग रियली वेल। आज की वीडियो में आप लोग के लिए कुछ हैक्स लेके आई हूँ जो मैंने 5 मिनट क्राफ्ट से ट्राई किया है। जस्ट वॉन्टेड टू चेक वेदर दोज हैक्स एक्चुअली वर्क आर नॉट। कुछ हैक्स एक्चुअली बहुत अच्छे हैं, अच्छा काम किया, बट देयर वाज सम जो बिल्कुल ही अच्छा काम नहीं किया। आप भी ट्राई करना, अगर घर में काम करेगा तो मुझे बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए हम लोग जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हैक में हम लोग बनाएंगे यहाँ पे आई शेडो। उसके लिए आपको लगेगा क्रेयॉन्स। मैंने यहाँ रेड कलर का क्रेयॉन यूज़ किया है, जैसे कि वीडियो में यूज़ हुआ था। इसको आपको हीट कर लेना है, मेल्ट कर लेना है पूरा। मेल्ट करने के बाद आप थोड़ा सा कोकोनट ऑयल ले लीजिएगा और उसमें ये क्रेयॉन्स ऐड कर लीजिएगा। आप कोई भी कलर ट्राई कर सकते हो, रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन, पिंक, आई मीन जैसे भी आप कंफर्टेबल हो। मैंने यहाँ येलो कलर का भी बनाया था सेम कोकोनट ऑयल में डाल के। और फिर आप इसको कोई भी कंटेनर में स्टोर कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे लेंस का कंटेनर में उसको स्टोर कर दिया था। और फिर आप इसको एज अ आई शेडो यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको यूज़ करके दिखाती हूँ। इस वीडियो को मैं सेकेंड टाइम एडिट करके अपलोड कर रही हूँ, बिकॉज फर्स्ट टाइम मैंने 5 मिनट क्राफ्ट्स का वो वीडियोज़ डाले थे कि कैसे कैसे उन्होंने बनाया। जब अपलोड किया आई गॉट अ कॉपीराइट क्लेम, सो आई हैड टू डिलीट इट। और फिर से मैंने ये वीडियो बनाया आप लोग के लिए। जैसे कि आपने देखा, मैंने ये क्रेयॉन्स यूज़ करके आई शेडो बनाया है और कुछ ऐसा क्रिएट हुआ है। इसका स्क्वॉच भी मैं आपको दिखाती हूँ, इन दोनों का। रेड कलर उतना डार्क रेड नहीं आएगा और येलो वॉज वेरी लाइट, आईज में भी लगाने में बहुत लाइट था। तो अगर आप क्रेयॉन वाला हैक आई शेडो बनाओगे क्रेयॉन यूज़ करके, आई वुड सजेस्ट यूज़ डार्क कलर्स लाइक डार्क पिंक, डार्क रेड, डार्क ग्रीन। लाइट कलर्स यूज़ करोगे तो उतना शो नहीं होगा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो ये येलो कलर उतना शो नहीं हो रहा था, बट ये रेड कलर वॉज गुड इनफ और आईज में भी अच्छा दिख रहा था। सो फॉर मी द हैक वॉज गुड, अच्छा काम किया। फॉर द सेकेंड हैक आपको लगेगा पाउडर फाउंडेशन। उसमें हम लोग ऐड करेंगे थोड़ा सा फेस क्रीम, जो भी आप यूज़ करते हैं उसको ऐड कर लीजिएगा। कंसिस्टेंसी कुछ इस टाइप का आएगा, विच वॉज ऑलमोस्ट सिमिलर जो 5 मिनट क्राफ्ट में था। और फिर आप इसको एज अ कंसीलर अपने अंडर आई में यूज़ कर सकते हैं, लाइक जहाँ जहाँ आप कंसीलर ट्राई करना चाहते हो इसको यूज़ कर सकते हो। हैक काफ़ी अच्छा है, कवरेज भी अच्छा मिला, आप ये आराम से ट्राई कर सकते हो। बट अगर आपके पास पाउडर फाउंडेशन नहीं है, देन आई वुड सजेस्ट आप कोई अच्छा क्वालिटी का लूज़ पाउडर ट्राई कर लीजिएगा, कवरेज अच्छा मिल जाएगा आपको। फॉर माई नेक्स्ट हैक हम लोग यहाँ पे बनाएंगे आई लाइनर यूजिंग ब्लैक क्रेयॉन। तो जैसे कि वीडियो में दिखाया था, उन्होंने क्रेयॉन को एकदम छोटे छोटे पीसेज में कर लिया था ताकि यूज़ करने में ईजी रहे। फिर उसमें उन्होंने ऐड किया था कोकोनट ऑयल, तो मैंने यहाँ पे कोकोनट ऑयल ऐड कर लिया है। ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। मिक्स करने के बाद कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके से आएगा, विच वॉज ऑलमोस्ट सिमिलर जो 5 मिनट क्राफ्ट में था। फिर ब्रश के हेल्प से आप इसको एज अ लाइनर यूज कर सकते हो। बिल्कुल काम नहीं किया, सूखा भी नहीं, इनफैक्ट वो और फैल रहा था। और मैंने फिंगर से ऐसे रिमूव किया तो वो रिमूव हो गया था। मैंने 15 मिनट उसको रखा भी था अपने आईज में। ऑयल तो आई डोंट थिंक सो सूखेगा, अगर आप इसके बदले एलोवेरा जेल मिक्स करोगे तो हो सके वो सूख जाए, बट कोकोनट ऑयल विथ क्रेयॉन डिड नॉट वर्क। पता नहीं ये हैक बनाए क्यों, बिकॉज बिल्कुल ही काम नहीं किया। बस कि आपने देखा, अगर आपका कोई भी यू नो लाइट शेड का फाउंडेशन है, उसमें अगर आप रेड लिपस्टिक मिला दोगे, थोड़ा सा ब्राउन लिपस्टिक, तो कलर कुछ इस टाइप का आ जाएगा। मुझे लगा कलर डार्क हुआ थोड़ा, बट इट वाज मोर टुवर्ड्स पिंक, पिंक टाइप का अंडरटोन आ गया था उसमें। वो येलो अंडरटोन गायब हो गया था, जैसे कि मैंने स्क्वॉच में आपको दिखाया।
तो अगर आपका पिंक अंडरटोन है और आपके पास कोई लाइट कलर का फाउंडेशन आ गया है, तब आप उसमें लिपस्टिक मिला के आप यूज़ कर सकते हैं आपको अगर डार्क करना है। बट अगर आपका येलो टोन फाउंडेशन है तब ये हैक उतना अच्छा काम नहीं करेगा, बिकॉज तब फेस में ज़्यादा पिंकिशपन आ जाएगा, मतलब अगर आप फाउंडेशन लगाओगे लिपस्टिक मिला के। सो द हैक वॉज ओके उन लोगों के लिए जिनका पिंक अंडरटोन है, मतलब फॉरेनर्स लोग के लिए आई थिंक इट्स गुड बिकॉज उन लोग का ज़्यादातर पिंक अंडरटोन रहता है, बट फॉर इंडियंस हम लोग का येलो अंडरटोन रहता है, तो लिपस्टिक मिलाओगे तो वो लाइक उतना अच्छा मैच नहीं करेगा। जैसे कि हम लोग ने बताया, अगर आपका हेयर स्प्रे ख़त्म हो गया है तब आप ये होम मेड हेयर स्प्रे बना सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता उतना अच्छा काम करेगा बिकॉज मैंने तो अपने बालों में लगाया बट इट्स स्टिल द सेम, और स्ट्रेटेंड हेयर में या यू नो अगर आपने स्मूदनिंग कराया उसमें तो बिल्कुल ही काम नहीं करेगा। बट अगर आपका नेचुरल हेयर है तो आप ट्राई करके देख सकते हो। मुझे लगता है दिस इज जस्ट अ टाइम पास हैक। स्मेल अच्छा आ जाएगा बालों में, वो चीज़ अच्छा लगा, लेमन टाइप का स्मेल आएगा, बट उसके अलावा हेयर स्प्रे का टक्कर तो शायद ना करे। सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे गाइज, आई होप वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा हो। अगर आपने कोई भी हैक ट्राई किया डू लेट मी नो। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन ऑल माई सोशल मीडिया, सारा डिटेल मैं नीचे इनफो बॉक्स में दे दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू सून, बाय।